सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को कि आप थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आप सभी के बीच कि आप अपने कॉल रिकॉर्ड को हाइड कैसे करेंगे, आप कैसे छुपाएंगे अपने कॉल रिकॉर्ड को। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप तक सच में पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर जाना होगा। देन प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च करना होगा, सर्च बार में ट्रूकॉलर ऐप, यहाँ ट्रूकॉलर ऐप को आपको सर्च कर देना होगा। देन मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ मैं ट्रूकॉलर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ इस ऐप को। ये ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस खुलता है और खुलने के बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे थ्री डॉट का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। थ्री डॉट को क्लिक कर देना है। थ्री डॉट को क्लिक करने के बाद इस टाइप का छोटा सा इंटरफेस खुलता है यहाँ पर, जो कि सेटिंग्स का ऑप्शन दिया है। सेटिंग्स का ऑप्शन देने के बाद इसको टैप कर देना है। टैप करने के बाद देने के बाद यहाँ पर सिर्फ आपको बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स मिल रहे होंगे। यहाँ पर इस सेटिंग्स को आपको कॉलर आईडी का ऑप्शन में जाना है। कॉलर आईडी का ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आपको फिर दिखेगी और दिखने के बाद यहाँ पर फुल स्क्रीन दिखेगा, क्लासिक पॉप दिखेगा। तो इसको क्लासिक पॉप में ही रहने दीजिए। फुल स्क्रीन में पूरा फुल स्क्रीन दिखेगा आपका और क्लासिक पॉप में थोड़ा सा ये हल्का सा जितना बड़ा साइज दिया है फ़ोटो का उतना ही दिखेगा। और देन यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर डिसेबल किया है डिसेबल ही रहने दीजिए और यहाँ पर इनेबल किया गया है तो इनेबल ही रहने दीजिए। देन ये आपका कॉल रिकॉर्ड हाइड हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वंदे मातरम गाइज़।